चलिए शुरू करते हैं। लोडर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले हमको डिव लिख लेना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट ए डिव, या दैट्स फाइन। लेट्स डिफाइन ए क्लास। ओके, सो दिस इज द क्लास। लेट मी गिव द नेम ऑफ द क्लास, दिस इज द लोडर। ओके, यूजुअली वही करते हैं, लोडर ही दे देते हैं और क्या करेंगे। ओके, मैं कॉपिंग इशू बिकॉज दिस इज मैक, आई वॉज वर्किंग नेम विंडोज। ठीक है, तो ये वाला आप इशू फेस किया होगा, मतलब मैक में काम कर रहे होंगे तो फिर से विंडोज़ में ट्रांसफर करोगे तो वही की का इशू, कॉपी पेस्ट का। तो लोडर क्यों बनाते हैं बेसिकली? सो लोडर बनाते हैं क्यों की, देखिए ये जो देखने देखा है, राइट। सो व्हेन यू आर फेचिंग सम डेटा एट दैट टाइम द स्टेट विल बी पेंडिंग फ्रॉम द API endpoint. सो टू अवॉइड द ब्लैंक पेज, वो क्या कर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोडर डाल देते हैं। तो चलिए लोडर बनाते हैं। लोडर के लिए क्या क्या चाहिए पहले देखते हैं। एक सर्कल होना चाहिए, फॉर दैट लेट मी गिव दैट वन विड्थ 60 पिक्सल रखते हैं और आपका हाइट भी रखते हैं 60 पिक्सल। डन। ओके, और क्या रखते हैं, बॉर्डर रेडियस रखते हैं। चलो बॉर्डर रेडियस भी आपका 50% होगा क्योंकि सर्कुलर है। ठीक है, इसके बाद चलो रखते हैं अभी बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर क्या होगा तुम्हारा, बॉर्डर होगा 16 पिक्सल बनाते हैं अभी और सॉलिड करते हैं इसको, फाइन। और कुछ कलर दे देते हैं, कलर के लिए F2 करेक्ट। सो लेट्स रन इट। ओके कूल, क्लास लोडर, या सो यहाँ पे हमारा ये हो गया बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर टॉप। चलो देते हैं अभी बॉर्डर टॉप होगा आपका सेम लाइक 16 पिक्सल सॉलिड और कुछ ऑरेंज कलर दे देते हैं ऑरेंज। तो ये हो गया आपका पूरे तरह से रेडी। बॉर्डर रेडियस आपका 50% नहीं ले रहा है, सेमी कॉलन नहीं है, या सो आई वॉज जस्ट लुकिंग व्हाट आई मिस्ड, सेमी कॉलन मिस हुआ तो पूरा काम खत्म। ठीक है, तो अभी ना इसको लोड होना होगा। ये लोड होगा, कैसे लोड होगा? चलो एक स्पिन के वेरिएबल डाल के टू लीनियर कर लेते हैं, टू सेकेंड लीनियर कर लेते हैं। इसके लिए हमको चाहिए वेब किट, एनिमेशन चाहिए, एनिमेशन वेब किट एनिमेशन सी करेगा स्पिन फॉर 2 सेकेंड लीनियर इन इनफाइनाइट टाइम। बहुत भूख लग रहा है भाई, वीडियो बना के उसके बाद खाना है। इनफाइनाइट स्पेलिंग भी गलत। ओके, नेक्स्ट एनिमेशन भी होगा 2 सेकेंड के लिए स्पिन की फ्रेम्स और 2 सेकेंड लीनियर और इनफाइनाइट भाई। ठीक है, और इसका जेड इंडेक्स डाल देते हैं 1000। ग्रेट, नेक्स्ट। अभी आप क्या चाहिए ना, हम तो अभी ये अभी तो एक सेकेंड फ़ोन आ रहा है, बंद कर लेता हूँ। ओके, छोड़ो इसको, डिक्लाइन। तो जेड इंडेक्स 1000 के रन कर लेते हैं अभी। अभी के लिए आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करते हैं, चलो की फ्रेम्स डालते हैं। की फ्रेम्स ये लेगा की फ्रेम्स स्पिन जो वेरिएबल बनाए थे और 0% ये होगा ट्रांसफॉर्म रोटेट। कितना रोटेट करेगा? 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी कमांड वी, ये होगा 100% और कितना रोटेट करेगा? 360 डिग्री। करेक्ट, रन, डन। तो हे गाइस, तो ये आपका था लोडर के लिए। इतना ही करना, लोडर क्लास बनाना, क्लास नेम देना और इसको डिफाइन कर देना जहाँ भी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ रिएक्ट जेएस, देन डेफिनेटली यू हैव ए कॉमन कंपोनेंट बिकॉज लोडर तो कॉमन में जाना चाहिए। आप उधर डाल सकते हो SCSS फाइल और CSS फाइल के अंदर, और आप एंगुलर में हो तो कंपोनेंट वाइज भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो दैट्स द अपडेट अबाउट क्रिएटिंग ए लोडर। तो अब वेराइटीज ऑफ लोडर है, आप डाल सकते हो।
सिंपल, आप चाहे तो नॉर्मली लोडिंग लग सकते हो, मतलब कुछ नहीं, नीचे एक डिव बना दो, उसके बाद डिव एंड कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल लोडिंग डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ये तो इसके अंदर आ गया, बट लेट मी क्लोज इट। अब तो क्या था ये, लोडिंग आ गया, ये क्यों बोला? फॉर एग्जांपल कुछ नहीं चाहिए, सिंपल लोडिंग डालना, कंडीशन वाइज एपीआई डेटा फेच हो रहा है तो डेटा से पहले, एपीआई कॉल से पहले लोडिंग ट्रू कर दो, लोडर ट्रू कर दो, लोडिंग ट्रू कर दो, और जब एपीआई डेटा आ जाएगा लोडिंग फॉल्स, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स अपडेट, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, आप डायरेक्टली इसको लेके कॉपी करके कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू कैन गेट ऑल द आइडियाज हाउ इट वर्किंग, ओके। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।